इसमें तुम और ऐसा इम्प्रूव कर सकते हो, साइकोलॉजी पढ़ोगे, रिसर्च पढ़ोगे। तो अभी भी कितना मिला है हमको, मतलब 50-60 हज़ार व्यूज पे हमको मात्र मिला है अभी 100 रुपये। हम अपना वीडियो को जानकर थोड़ा लो प्रोफाइल शूट करते हैं, मतलब तेरा मेरा एंगल थोड़ा नॉइजी, बहुत ज्यादा ओवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं अब। पर आर्ट फॉर्म डिफरेंट चीज है जो कि एक फुलफिलमेंट मिलना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो एडिटिंग कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? YouTube पे जो भी ट्यूटोरियल्स दिखा या फिर जो भी इफेक्ट बनाना है, जैसे ये ग्रीन स्क्रीन कैसे रिमूव होता है, तो बस वो सर्च किए पार्टिकुलरली, फिर वो अपने वीडियो में इम्प्लीमेंट किए, फिर नहीं ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है तो ये सीखे, फिर वो पार्टिकुलरली इम्प्रूव किए, मतलब इम्प्लीमेंट किए अपने वीडियो में, तो उस तरह से मतलब बिट्स में सीखे हैं। तो अभी ऐसा है कि मतलब प्रीमियर प्रो का मतलब हर एक बटन या हर एक चीज या फिर आफ्टर इफेक्ट्स, ये सब का आफ्टर इफेक्ट्स तो कम, पर प्रीमियर प्रो का लगभग हर कुछ हम एक्सप्लोर करके चेक कर चुके हैं। लाइक बहुत एक्सपीरियंस आपको बेसिकली वीडियो एडिटिंग के फील्ड के अंदर, स्टार्टिंग राइट? एंड आपने फ्रीलांसिंग कैसे शुरू की, लाइक कब शुरू की? एंड किए थे एज ए ग्राफिक डिजाइनर, उस समय हमको ग्राफिक डिजाइन नहीं आता था, तो मतलब फोटोशॉप कुछ नहीं आइडिया भाई, बस हम मतलब थोड़ा बहुत थंबनेल बनाए हैं, वो भी बहुत थोड़ा बहुत बहुत खराब क्वालिटी में। और इंटरव्यू में हमसे पूछता है तुमको फोटोशॉप आता है, तो हम बोले हाँ पूरा आता है, यही था मेरा सेम रिएक्शन, सेम मेरे मोशन ग्राफिक में भी आफ्टर इफेक्ट आता है, हाँ हमको आता है। तो ग्राफिक डिजाइनर देन फिर शिफ्ट हुए जब पता चला कि नहीं यूआई यूएक्स भी कुछ है, मेरे एक सीनियर हमको बताए थे कि यूआई यूएक्स और अच्छा चीज है, इसमें तुम और अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हो, साइकोलॉजी पढ़ोगे, रिसर्च पढ़ोगे यूआई यूएक्स। साथ साथ वीडियो एडिटिंग पे भी हम चल गए थे, मतलब ग्राफिक के बाद वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के बाद फिर मोशन डिजाइनिंग एंड देन फिर यूआई यूएक्स। तो अभी करंटली ये सब कम करके स्क्रिप्टिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं और कॉन्टेंट मैनेजमेंट, और वीडियो एडिटिंग बेसिकली हम अभी आउटसोर्स ही करते हैं, बहुत कम ही एडिट्स ऊपर से देखते हैं, मतलब ओवर व्यू सब पे करते हैं, पर एडिट पर्सनली अभी थोड़ा कम करते हैं। तो सर्विसेस यही है, और ये स्टार्ट हुआ है 2021 दिसंबर 27 मेरे बर्थडे के दिन से। वीडियो बनानी है, यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। म्यूजिक सिलेक्शन हो गया, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, राइट? तो उसको थोड़ा बता दीजिए, अपना वीडियो का ब्रेकडाउन दे दीजिए, लाइक कैसे कैसे आप स्क्रिप्टिंग करते हो, स्टोरी टेलिंग सोचते हो, जो जोक्स बनानी है वो कैसे सोचते हो कि ऑडियंस इस पे हंसेगी नहीं हंसेगी, वो किसी को सुनाते हो पहले कि वो हंस रहे तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा उसके बारे में प्लीज। तो मेरा प्रोसेस ऐसा है कि सबसे पहले आइडिया मैटर करता है मेरे लिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइडिया बेकार है तो फिर हमको पता है कि एफर्ट्स डालने पे उतना रिटर्न नहीं मिलेगा हमको, पर बहुत बार होता है कि नहीं ये वीडियो हमको बनाना है, बस बनाने के लिए हमको मन है बनाने का, तो आइडिया उसमें थोड़ा सा कम भी ध्यान देते हैं। फिर स्टार्ट आता है मतलब सेकंड फेज आता है मेरा थंबनेल का, मतलब हम स्क्रिप्ट वगैरह कुछ नहीं करते हैं, बस सीधे थंबनेल डायरेक्ट, थंबनेल क्या होगा रफ स्केच बनाना शुरू करते हैं, मैं कम से कम 4-5 स्केच जब तक नहीं बना लें तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। फिर थंबनेल बनाते हैं, अगर थंबनेल अच्छा लग गया कि नहीं ये तो है क्लिकेबल या फिर सुंदर लग रहा है हमको, तो फिर इंट्रो का स्टार्ट होता है, और इंट्रो में सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है, मतलब 1-2 दिन हम इंट्रो बस बैठ के लिख रहे हैं, मल्टीपल वर्जन, वर्जन 1, 2, 3, 4, 5, कभी कभी 7th वर्जन तक चला जाता है। देन फिर हम पूरा वीडियो को क्या होता है एज अ होल कलेक्ट करते हैं और फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। शुरू में वो बिट्स में रहता है कि इस वाले सिस्टम में ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला चीज हमको पसंद है, वो पसंद है, ऐसे करके रहता है। और जोक्स ऐसा होता है कि मतलब जो चीज से हम खुद रिलेट कर पाए या फिर मेरे लाइफ पे हुआ हो, वही सब चीज यूज करते हैं। जैसे म्यूजिक हमको नहीं आता था, हमको कुछ नहीं पता था, हम इग्नोरेंट थे उसके बारे में, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में बोल लेते हैं कि मेरा इंटरव्यू हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट जॉब का इंटरव्यू, कि क्या होते हैं तुमको आफ्टर इफेक्ट्स आता है, सेम चीज, तो हम बोले हाँ आता है, और उसके बाद मेरा मतलब बिल्कुल हालत खराब है, क्या ये अब हम बनाए क्या, तो 7-8 घंटे में बना के दिए थे कुछ उसको, लेकिन तो ठीक लगा अपेरेंटली, फिर वैसे हुआ, देन फिर वीडियो अपलोड, सिंपल प्रोसेस है। ऑलराइट, सो लाइक तो स्क्रिप्टिंग कैसे करते हो, लाइक कि ये लिखना है और ऑडियंस इसमें एंगेज करेगी, वर्ड्स कैसे चूज करते हो? स्क्रिप्टिंग मेरा शुरू से अच्छा नहीं रहा, हम ये मानते हैं, मतलब रिसेंटली हम 5-10 वीडियो 15 वीडियो से हम मान रहे कि हर वीडियो में इम्प्रूव हो रहा है, उसका मेन रीजन है कि हम बर्नआउट हो गए थे अपने चैनल से, कि भाई व्यूज नहीं आ रहा है, व्यूज नहीं आ रहा है, और हम कितना रिस्क लें अपने चैनल पे, क्योंकि हम 500-600 वीडियो अपने पुराने चैनल पर बनाए, उसके बाद फिर ये चैनल बनाए थे, तो फिर हमको समझा कि नहीं हम बस एक ही टाइप का वीडियो बना रहे हैं, जब तक डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स नहीं आएगा या टेक्सचर नहीं आएगा स्क्रिप्ट में कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर हम सोचे कि नहीं अब हम अपने पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, पकड़ते हैं 5-10 YouTube चैनल, अलग अलग निश, अलग अलग ऑडियंस, सब्सक्राइबर कितना ही हो, 1 हो या 1 मिलियन हो या फिर 10 मिलियन,
उन लोग के लिए काम करना शुरू करते हैं, और कुछ नहीं भी तो उन लोग से भी तो उन लोग का पर्सपेक्टिव लेंगे। तो हम लकी थे, हमको मतलब 5-6 यूट्यूब चैनल मिल गया, अच्छा अच्छा सब्सक्राइबर के साथ भी, किसी का मिलियंस, किसी का लैक्स, किसी का कुछ थाउजेंड्स। और उन लोग पे जो एक्सपेरिमेंट हम किए हैं बेसिकली उसी से इम्प्रूव किए हैं और उसी से इम्प्रूव हो भी रहे, इसीलिए हम वीडियो एडिटिंग फिर कम कर दिए थे फ्रीलांसिंग में। और हम सोचे कि नहीं, अब स्क्रिप्टिंग और आइडिएशन ये दो चीज स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और थंबनेल डिजाइन। तो स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस ये है कि स्टार्टिंग में जिबरिश लिखो, मतलब जो भी दिमाग में आ सकता है, खराब से खराब, एसईओ वगैरह नहीं कि ये हुक होना चाहिए या ये होना चाहिए, नहीं, राइट इट एज अ स्टोरी कि ऐसा स्टोरी होना चाहिए। हम सबसे पहले स्टोरी का मतलब एक दिमाग में आउटलेट, मतलब आउटलुक रखते हैं कि अच्छा इस टाइप का चीज हो गया, ये मेरे पर्सनल लाइफ पे ये इम्पैक्ट डाला है पहले, अगर कभी तो उसको लिख देते हैं। हम जर्नल्स लिखते रहते हैं, तो बहुत बार जर्नल्स पढ़ रहे हैं अपना बैग में कि हम इस दिन क्या किए, उस दिन क्या किए हैं, वो चीज लिखें। और फिर सेकेंड चीज आता है म्यूजिक, कि अगर हम इस टाइप का कुछ लिख रहे हैं तो कैसा वाइब चाहिए होगा एज अ व्यूअर, क्या क्यूरियोसिटी ड्राइव हो रहा है, क्या फियर मिसिंग है, या फिर क्या फनी बन सकता है ये। तो जब म्यूजिक एक अच्छा मतलब अच्छा परफेक्ट मिल गया, देन फिर हम वर्जन लिखना शुरू करते हैं कि स्टार्टिंग में अच्छा कुछ मिल जाए, स्टार्टिंग में अच्छा कुछ मिल जाए, बस हमको 10 सेकंड के अंदर या 8 सेकंड के अंदर एक बार तो कुछ अच्छा दिखाना है, या फिर अच्छा उसको बताना है या रिलेट करवाना है। जब ये चीज हो गया तो उसके बाद फिर हम ज्यादा डिटेंशन पर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब 1 मिनट के बाद, 1-2 मिनट के बाद फिर हम नॉर्मल अपना वीडियो का फ्लो रखते हैं, नॉर्मल इंसान जो देख सके। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। और स्क्रिप्टिंग का सिंपल फॉर्मूला यही है कि जो चीज तुम वीडियो में कमेंट कर रहे हो वो चीज तुम अगर स्टार्टिंग में बता सकते हो, दिखा सकते हो तो अच्छा रहेगा। मिस्टर बीस बनने की जरूरत नहीं है, वो मेरा फेवरेट यूट्यूबर है, पर हम उसको फेवरेट कंटेंट क्रिएटर नहीं मानते हैं, मतलब आर्टिस्ट नहीं मानते हैं, फेवरेट आर्टिस्ट। फेवरेट यूट्यूबर बोलना अलग है और फेवरेट आर्टिस्ट अलग है, मतलब उसका वीडियो से व्यूज मिलेगा, उसका वीडियो का आइडियल मतलब वायरल टॉपिक रहता है, आइडिया बहुत अच्छा रहता है, ये सब चीज में जिमी को कोई नहीं बीट कर सकता है। पर आर्ट फॉर्म डिफरेंट चीज है, जो कि एक फुलफिलमेंट मिलना चाहिए। जैसे एक फिल्म देखो आप, आपको 1 महीने, 1 साल, मे बी 2-3 साल बाद तक भी उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे रहेगा, आपको याद रहेगा कि अच्छा कुछ इस टाइप का था। एक रील या शॉर्ट्स देखो आप, आपको उसका अगर इम्पैक्ट 1 घंटे बाद भी याद रह गया तो बहुत बड़ा बात है, जो कि रहता नहीं है। और एक यूट्यूब वीडियो का भी इम्पैक्ट अगर 5-6 दिन से ज्यादा अगर रह रहा है तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो और वो सब कुछ आएगा कहाँ से, स्टोरी और ह्यूमन इमोशन से, जो कि म्यूजिक डिराइव करता है। तो स्क्रिप्ट को इस तरह से लिखना है जो कि कोई इमोशन ड्राइव करे, ना कि फैक्ट्स पे हो बहुत ज्यादा, ऐसा हमको लगता है। बाकी और क्या ध्यान रखना चाहिए एज अ क्रिएटर को अगर कुछ यूट्यूब पे ग्रो होना है? जैसे जब हम 7 डे सीरीज शुरू किए थे तो उसमें उस समय हम बर्नआउट थे, तो हम बस वीडियो अपने सोल के लिए बना रहे थे कि हमको बस देखना है वीडियो, कोई देखे नहीं देखे, उस समय तक व्यूज का मेरा आइडिया मर गया था। पर प्रीमियर प्रो वाला वीडियो में हमको पता था कि भाई इस वीडियो पे व्यूज आएगा। हम एक अपने क्या एक दोस्त को मैसेज भी किए थे वीडियो डालने से पहले और बनाने से पहले, देखो हम ये वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन बाद ये हो जाएगा कंप्लीट, खत्म होने वाला है, देखना इस पे पक्का 10,000 व्यूज आएगा 1 वीक में। उससे पहले हमको 10,000 व्यूज कभी नहीं आया 1 वीक में, हाँ अब हाँ वो भी हजर आया, बोलता है कि सही में, बोलते हैं हाँ पक्का। और मतलब एक ही दिन बाद, मतलब 2 दिन बाद उसे 20,000 व्यूज आ गया, और वो भी पागल हो गया कि भाई ये कैसे, ये कैसे पता है, वो कैसे पता है, तुमको कैसे पता था कि चैनल पे इतना व्यूज आएगा, ऐसा कुछ होगा, वो होगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो को भी हम प्रिडिक्ट किए थे कि देखना 15K व्यूज आ जाएगा 1 वीक में, और अगर आ जाएगा तो फिर 20K मार्क पे चलेंगे हम लोग, उस पर भी आ गया। देन फिर वो नेक्स्ट वीडियो पे खुद पूछा कि भाई कितना व्यूज आएगा इस बार, तो हम बोले कि देखो इस पे व्यूज के चांसेस कम है, बट स्टिल 2 वीडियो ऐसा चला है 30K व्यूज जाना चाहिए, और उससे भी 30K व्यूज आ गया। एंड देन आफ्टर इफेक्ट्स वाला वीडियो, उसको हम पहले ही बोल देते हैं कि तुम कुछ ये रहा ब्लैंक स्पेस नंबर डाल दो, वो बोला क्या होते 50K, और 50K अभी तक हुआ नहीं है, पर हमको पता है इस पे हो जाएगा। जो दूसरे चैनल के साथ काम करने से ये फायदा हुआ है कि जो बड़े यूट्यूबर है, वीडियो तो अच्छा बनाना, खराब बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, खराब एडिटिंग के साथ वीडियो चलता है क्योंकि ऑल बिकॉज उनका आइडिया अच्छा है, वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं अपने ऑडियंस के साथ, और तीसरा रिलेटेबल महसूस होता है। बस ये 3 चीज सबसे इम्पोर्टेंट है। एडिटिंग कॉम्प्लीमेंट्री है, हम सब बताएं तो हम रिसेंट 2-3 वीडियो में थोड़ा बहुत एडिट किए हैं, उसके पहले तो हम बिल्कुल एडिट नहीं किए अपना वीडियो, बस कट 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 स्टोरी, कट 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 स्टोरी, और अभी भी वही कर रहे हैं। और बस ज्यादा तो हमको ग्रोथ का नहीं पता है, यही सिंपल सा फॉर्मूला था, क्योंकि हमको पता था कि इस आइडिया पे व्यूज आएगा, क्लिक आएगा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो लग रहा है कि भाई मास्टर कैसे कोई कर सकता है 7 दिन में, जो कि हल्का सा क्लिक बेट था, पर हम जानकर उस वीडियो को थोड़ा सा एफर्ट डाल के बनाए, दिखाने के लिए कि भाई हम एफर्ट डाल रहे हैं, तुमको
वीडियो पसंद आए नहीं आए, तुम मेरा एफर्ट देख के तुम क्या लाइक या सब्सक्राइब करो, तुमको मेरा एंड रिजल्ट पसंद नहीं आएगा, हमको पता है, तुमको ओवरऑल वीडियो ही पसंद आना चाहिए। और लास्टली हम जानकर अपना फिर जो एंड रिजल्ट दिखाते हैं उसको बहुत कम रख देते थे कि देखो भाई हम बहुत इजी चीज बनाए हैं, जानकर, ताकि कोई नया यूजर देखे तो उसको ये नहीं लगे कि नहीं भाई इसको ये इतना दिन से वीडियो बना रहा है इसलिए अच्छा बना रहा है। तो हम लास्ट का रिजल्ट जानकर वीक रखते थे वीडियो का, ताकि लोग कमेंट करें, हमको बस लोग से कमेंट करवाना था, उनका फीडबैक लेना था। तो हाँ हमको कुछ हार्श कमेंट मिला भाई वीडियो देख के मजा आया, पर जब तक लास्ट का रिवील नहीं आया था, लास्ट का रिवील बेकार है, चलता है, हमको लगता है ये चीज काम कर रहा है तो अभी चल रहा है बिल्कुल। ओके, सो ऑडियंस के साथ कनेक्ट बिठाना है, वो कैसे बिठा सकते हैं? हमको लगता है कि ऐसा कोई सा फॉर्मूला नहीं है। मेरे लिए क्या है कि हम कभी नंबर्स देखे नहीं है, मतलब अपने चैनल को लेके, दूसरों के लिए काम किए, उसे मिलियंस में व्यूज आ रहा है पर वो मेरे से कनेक्ट नहीं बैठ रहा है। तो अभी ऐसा है कि कोई भी हमको कमेंट करता है, कुछ भी करता है, तो हम रिप्लाई करने का ट्राई करते हैं थोड़ा फनी वे में, इंटरेस्टिंग वे में। तो एक रीजन वो हो सकता है कनेक्ट करने का, और दूसरा रीजन हो सकता है कनेक्ट करने का कि हम अपना टोन नहीं चेंज करते हैं, जैसे कि हम इस पॉडकास्ट में भी जैसे हम घर में बात करते हैं उसी तरह से बात कर रहे हैं। हम अपना वीडियो को जानकर थोड़ा लो प्रोफाइल शूट करते हैं, मतलब तेरा मेरा एंगल, थोड़ा नॉइजी, बहुत ज्यादा ओवर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अब पहले था स्टार्टिंग का वीडियो मेरा एक या दो, वो भाई पूरा ओवर प्रोड्यूस की भाई ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, ये बीरोल चाहिए, ये चाहिए, हर एक शॉट प्लान्ड है। अभी क्या लास्ट टाइम से कि कुछ शॉट्स प्लान होता है पर बाद बाकी फिर हम हाँ भाई ये कर रहे हैं, आज दिन डे वन है, ये करेंगे वो करेंगे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये मेरे ही लेवल पे है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाके बात करेंगे और लोग यहाँ पे हैं तो कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा गैप है, तो हम ही नीचे हो जाते हैं, उन लोग फिर धीरे धीरे साथ में ऊपर बढ़ेंगे दोनों। तो ऐसा कुछ रहता है कनेक्ट करने के लिए, जैसे आप दोस्ती भी उसी से करते हो जिससे आपका पॉकेट मैच करे, मे बी पहला रीजन बता रहे हैं, दूसरा लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम हो, और तीसरा अगर बैक बिचिंग करते हो जो हम नहीं करते हैं तो आपका दोनों का एनिमी सेम होना चाहिए। ये तीन चार रीजन है, देन आप लोग दोस्त बन चुके हो, और हम अपने ऑडियंस साथ ये ट्राई करते हैं, ट्राई नहीं करते हैं, बस जैसे हैं वैसे दिखाते हैं। अपनी अगली जो से वीडियोस आएंगी मेरी, उसमें आई विल ट्राई टू मेक समथिंग लाइक दैट, आई विल ऐड द एलिमेंट। ये लाइक जो से मैं बातें कर रहा हूँ, जो मुझे पेन पॉइंट लगता है, अपने पेन पॉइंट लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो पूछ रहा हूँ आपसे। तो हम अपना पॉडकास्ट देखे थे, पॉडकास्ट सही है, वैसा हम नहीं कुछ बोलेंगे कि पॉडकास्ट खराब है, जितना ही पॉडकास्ट मतलब जो भी हमको अप्रोच किया वो सबसे अच्छा पॉडकास्ट था। तो पेन पॉइंट्स वैसा कुछ है नहीं आपका, हमको बता था लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम लगा पहले, हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, और कंसिस्टेंसी को भी लेके, मतलब कंसिस्टेंसी को लेके, ये नहीं कि आप डेली क्या अपलोड कर रहे हो या वीकली क्या अपलोड कर रहे हो या मंथली क्या अपलोड कर रहे हो। होता क्या है कि ऑडियंस एक ही एक्सपीरियंस को बार बार लेने आता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था शुरू से, ये आप भी रिलेट मैं भी कर पाऊँ, कि स्टार्टिंग में हम वीडियो कुछ बनाए हैं, फिर अगला वीडियो हम स्टोरी के ऊपर बना रहे हैं, तीसरा वीडियो हम ब्लॉग बना रहे हैं, चौथा वीडियो हम ये बना रहे हैं, आप सोचोगे कि हम तो सब पॉडकास्ट बना रहे हैं, सब तो हमको देखना चाहिए। तो वो तब हो सकता है जब मेरा पर्सनल ब्रांडिंग या फिर फेस वैल्यू बहुत अच्छा हो, जैसे रणवीर अलाहाबादिया, उनका वीडियो हम बहुत पहले से देख रहे हैं। देखो फिर पॉडकास्ट ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कोई जानता है कि भाई वो एलियन के बारे में बात करेगा, वो क्या बोलते हैं फैप नो फैप यही चीज करेगा। अब ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं कि हम बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, उसको पता है कि ऑडियंस क्या बार बार देखने आएगा, तो वह जानकर सेम एक्सपीरियंस देता है। तो किसी भी क्रिएटर के लिए, चाहे वो आप हो या फिर हम हो, अगर तुमको थोड़ा सा भी इंटरेक्शन मिलता है, मे बी कॉमेंट्स में, मे बी व्यूज में, या फिर कुछ पे भी, लाइक्स बहुत ज्यादा आ रहा है इस वीडियो पे, तो अगर तुम उसको दोबारा वो चीज देते हो या दोबारा वो एक्सपीरियंस करवाते हो, वो सेम चीज थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में या फिर थोड़ा अलग तरीके से, पर वो सेम चीज, मे बी तुम मिस्टर बीस्ट बन जाओ, 1 करोड़ रुपए बांट के आयो, वीडियो पे बहुत व्यूज आ जाए, अगला वीडियो पे तुम फिर 10 रुपए बांट रहे हो तो फिर उतना मजा नहीं आएगा, पर फिर से तुम अगर 1 करोड़ के आसपास में भी पैसे कम है, 50 लाख या फिर 2 करोड़ बांट रहे हो, तो लोग को समझ आएगा कि नहीं इस टाइप का वीडियो बनाता है और हम इस टाइप का चीज देखते हैं, तो वो दोबारा भी क्लिक करेगा, इस तरह से रिटर्निंग व्यूअर बढ़ जाएगा। तो अगर कनेक्ट बनाना है, और हमको ऐसा लगता है जैसे अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने चैनल पे और ग्रो होना है, तो ऑडियंस से कनेक्ट करना जरूरी है, और कनेक्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि रिटर्निंग व्यूअर्स बढ़ाया जाए, जो मेरा वीडियो देखा है एक इंसान उसको दोबारा बुलाना है, नए यूजर कम आएंगे चलेगा, पर जो एक बार देख रहा है वो फिर दोबारा दूसरे वीडियो पे देखे, वो तीसरा वीडियो देखे, बिंज वॉच करे नेटफ्लिक्स की तरह, हाँ, थैंक एंड ऐसे हमको लगता है कि आपका भी बहुत हेल्प होगा। यू।
समथिंग रिलेटेड टू पर्सनल ब्रांडिंग, लाइक अपनी फेस वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए। पर्सनल ब्रांडिंग क्या मतलब मेरे हिसाब से कि लोग आपके चेहरा को देखकर वो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं, मतलब अगर लोग मेरा चेहरा देख रहा है और उसको कोई मतलब उसके दिमाग में कोई एक कीवर्ड्स नहीं आ रहे हैं जो हम लोग यूट्यूब में बोलते हैं टैग्स यूज करो, कीवर्ड्स यूज करो, हम अपने वीडियो में टैग्स बहुत रेयरली यूज करते हैं, हम लास्ट वीडियो में डालना भूल गए हैं वैसे, पर मेरा क्या रहता है कि अगर कोई मेरे चेहरे को देखे तो उसको दिमाग में ये आए कि भाई इसका लास्ट टाइम वीडियो देखे थे बहुत क्रेजी एफर्ट था, या फिर बहुत अच्छा एडिटिंग था, या फिर भाई स्टोरी टेलिंग बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल था। तो पर्सनल ब्रांडिंग करना है तो कोई एक स्पेसिफिक चीज या स्पेसिफिक ह्यूमन इमोशन इंसान कनेक्ट कर पाए, या फिर उससे लिंक कर दे कि नहीं ये इंसान मतलब ये चीज करेगा ही करेगा। मिस्टर बीस्ट मतलब कि भाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने वाला है जो कि हम कभी नहीं देखे हो। रणवीर का पॉडकास्ट भाई ये कुछ ना कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो अक्षय कुमार हो या टाइगर श्रॉफ का कोई भी हो, बस मजा आ जाएगा। और फिर कोई और भी यूट्यूबर ले सकते हो कि अगर ध्रुव राठी दिख गया, अब आप एक चीज कट कर सकते हो चाहो तो, अगर वो ध्रुव राठी दिख गया तो पता है भाई हमको क्या होता है कि ये किस तरह का वीडियो बनाएगा, ये लेफ्ट वाला वीडियो है या राइट वाला वीडियो, पहले से इमोशंस डिराइव है। अगर ध्रुव राठी एक बीजेपी का वीडियो बनाए, एक कांग्रेस का वीडियो बनाए, लोग ही क्लैश करते रहेंगे एक दूसरे में, तो वो बोलता है कि ठीक है हम एक टाइप का ऑडियंस को नहीं चुनेंगे, हम एक ही टाइप का ऑडियंस चुनेंगे, और उनका भी ग्रोथ उससे बहुत हुआ है। तो दो तीन चैनल्स क्रिएटर को बनाने चाहिए, फिर पहले एक चैनल पे फोकस करना चाहिए, फिर दो तीन पे जाना चाहिए। तो जितने भी क्रिएटर देखे हैं मैंने, एक वो होता है कि उनके दो तीन चैनल्स बने हुए हैं अलग अलग पे है। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया था ना कि मतलब आशीष जो चैनल था, ये जो चैनल बनाए थे हम, ये अप्रैल फूल्स का जोक था, 1 अप्रैल को बनाया चैनल जान के, नहीं भाई हम बहुत अच्छा वीडियो बना लिया, अब हम क्रिंज करेंगे, हम यही बोलकर चैनल बनाए, किसी को नहीं पता है वो, मतलब बिल्कुल सीक्रेटेड है, मेरे जर्नल पे लिखा था आज से हम क्रिंज करेंगे एक चैनल बना के और अगले 30 दिन क्रिंज करेंगे, और उसके बाद अगर हमको मजा आया तो हम और 30 दिन करेंगे ऐसे करके। तो ये चैनल मजाक था जिसपे कि हमको अपना स्टोरी शेयर करना था, कुछ भी शेयर करना था सही रैंडमली बिना सोचे हुए, कोई मतलब यूट्यूब कुछ नहीं व्यूज आए नहीं आए हमको नहीं मतलब। तो स्टार्टिंग में हम 14 वीडियो डाले थे, फिर मेरा एग्जाम आ गया तो फिर वहां पे क्विट हो गया था। अब फिर उसके बाद हुआ कि नहीं एक वीडियो अच्छा बनाएंगे, फिर अगला वीडियो लो एफर्ट बनाएंगे, फिर अगला वाला भी सेम चीज था कि नहीं इस वीडियो में एफर्ट डालेंगे अगला वीडियो लो एफर्ट बनाएंगे, अभी भी वही हो रहा है, इस वीडियो में एफर्ट डालना है अगला वीडियो लो एफर्ट होगा। तो कभी मतलब हम खुलकर बोल ही नहीं पाए क्योंकि अब ऐसा क्या है कि बहुत बार होता है कि भाई ये चीज वीडियो के आइडिया के रेलेवेंट नहीं है, या फिर इस चीज पे लोग कोई क्यों ही मतलब देखना चाहेगा इस चीज को या मेरे लाइफ, तो आखिर पे हम वो चीज डाल नहीं सकते हैं क्योंकि डालेंगे तो फिर वो व्यूअर्स को फिर से वो सेम इमोशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे हम बनाए थे बस अपना बर्नआउट के समय, नहीं हम मेरा लाइफ बिल्कुल फकडप हो चुका है, हम यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड कर जाएंगे और बात करेंगे बस तुम लोग से, तो उस वजह से बनाए थे। एंड हाँ ये सेकेंड चैनल थर्ड चैनल फोर्थ चैनल मत बनाओ, हम यही बोल रहे हैं, सबसे बड़ा गलती है इनिशियल डेज में हम सेकेंड चैनल बनाए, हमको उस पे व्यूज से कोई मतलब ही नहीं है, ना हम वीडियो डालते उतना, हमको जब मन करता है रिकॉर्ड कर लेते हैं डाल देते हैं, और हम वीडियो जर्नल ऐसे भी रिकॉर्ड करते रहते हैं और खुद को मेल कर देते हैं ड्राइव पर डाल के, तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, तो हम बस वही चीज अपने एसिट वाले चैनल पर डाल दे रहे हैं, अगर हमको जब याद रहता है तो, जैसे 5-6 वीडियो बना हुआ है पर हम अभी तक डाले नहीं है भूल गए थे, फोकस ऑन वन चैनल। एंड कोई एडवाइस न्यू क्रिएटर्स को देना चाहो जो उनको भी कंटेंट क्रिएशन अभी स्टार्ट करना है, कोई गियर परचेज करना है? न्यू क्रिएटर हो तुम तो, और अगर कभी वीडियोस नहीं बनाए हो कुछ नहीं परचेज करना, चुपचाप पहले 50, 100 या 200 वीडियोस बनाओ या 400 वीडियोस बनाओ, हमको नहीं मतलब, पर वीडियोस बनाओ बस, और जो है उसमें पहले तो तुम अपना मास्टरी उसमें करो, हम अभी भी DIY लाइट यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट बॉक्स नहीं है, हम अभी भी क्या होते हैं मेरा ग्रीन स्क्रीन का क्या होते हैं कलर फेड हो चुका था साइड से पर वो यूज कर रहे हैं, और ज्यादातर चीज जुगाड़ पे है, तो गेयर्स मैटर करता है एक लिमिट के बाद, कौन से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो तुमको उतना अच्छा क्वालिटी नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, पर इम्प्रूव या अपडेट तभी करना जब तुमको साइंस दिखे कि हाँ ये चीज अब सही हो चुका है, या अब मेरे पे कुछ लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं, और जब लगे कि हाँ अब ये चीज हमको लिमिट कर रहा है, जैसे अभी क्या है कि वीडियो के लिए मेरा स्मार्टफोन इनफ है तो काम चल रहा है, तो गेयर्स पे ध्यान मत दो पहला, और व्यूज कम आए ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, पहले तो वीडियो बनाने से फ्लुएंट हो कि इस तरह से कैमरा पे बोलना है, किस तरह से सोचना है एज अ क्रिएटर, और किस तरह से लाइफ को हेक्टिक करना है, एंड फिर जब थर्ड स्टेप आता है कि जब 50-100 वीडियोस बना लो तो स्टार्टिंग से ही ये चलेगा डे वन से ही,
इस वीडियो में स्क्रिप्टिंग बेकार था, इस वीडियो में शूटिंग बेकार था, और इम्प्रूव कैसे होगा अगले वाले में, और एडिटिंग कैसे इम्प्रूव होगा अगले वाले में, और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर ऐसे करते रहोगे तो 50 100 वीडियो में तुम एवरेज से बहुत अच्छे हो जाओगे। और स्टार्ट ये मत सोचो कि तुमको परफेक्ट होना है, तुमको बस एवरेज से बेटर होना है, मतलब 90% से ऊपर, बस दैट्स इट। तुम एक अच्छा क्रिएटर कहलाओगे, भले ही व्यूज कम आ रहे हो, 5 व्यूज आएंगे, पर 5 में से 1 या 2 लोग पक्का बोलेंगे कि भाई वीडियोस बहुत अच्छा था, क्रेजी एफर्ट या फिर गुड स्टोरी टेलिंग, दैट्स इट। लाइक ये सब मैनेज कैसे होता है, इतना कुछ करना, स्टडी भी करना, वीडियोस भी बनाना, उसके लिए पहले सोचना भी कि क्या बनाना है। देखो क्रिएटर लाइफ ऊपर से बहुत ग्लैमरस दिखता है कि नहीं बहुत अच्छा होगा, अभी तो हम भी वैसा कुछ ज्यादा फैंडम एक्सपीरियंस नहीं किए तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते हैं, पर ऐसा हमको लगता है कि बहुत ग्लैमरस लाइफ दिखाते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, ये कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं। असल में तुम जितना ज्यादा फेमस, तुम्हारा लाइफ उतना ज्यादा हेक्टिक, उतना 50 तरह का स्ट्रेस और लोड, और टाइम मैनेजमेंट तुमको उतना ही प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। बहुत बार होता है कि तुमको कुछ कुछ चीज को छोड़ना पड़ता है जो तुमको पसंद है, प्रायोरिटी मतलब चीजों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। टाइम सबके पास इनफ है 24 घंटे, जो अगर पहला प्रायोरिटी में आ रहा है कि नहीं हमको IIT करना है, नीट करना है, उसको ऊपर रखो, ठीक है। उसके बाद सेकंड में मेरा वीडियोस है, उसको सेकंड पे रखो, उसके बाद फिर कोई दूसरा या तीसरा आ रहा है इंसान या फिर फैमिली, उसको फिर नीचे रखो। तो मेरा सोशल लाइफ खत्म है बिल्कुल, फैमिली, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, प्रायोरिटी लिस्ट में पता नहीं कहाँ पे आता है वो सब रखते ही, मतलब अच्छा बात नहीं है। तो एज अ क्रिएटर या फिर टाइम मैनेज करने के लिए बहुत बार हार्ड होना पड़ता है, तो रेडी रहना अगर वीडियो बनाने वाले हो या फिर ऐसा कुछ भी काम करने वाले हो, तो जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है, जहाँ पे आर्ट फॉर्म तुम कुछ क्रिएट करने वाले हो, और जहाँ पे लोग तुमको गाली भी दे सकते हैं कि क्या कर रहा है, टाइम बर्बाद मत करो अपना, जाके पढ़ लो। मुझे भी काफी आए हैं इसमें, लाइक मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, टाइम नहीं बर्बाद कर रहा है, कर क्या रहा है तू, एक चीज पे फोकस कर ले। मेरा तभी बताया, मम्मी आज ही बोल रही थी कि तुम बेटा दो नाव पे पैर रखे हुए हो, और तुमको हमेशा बोलते हैं कोई एक चीज फोकस करो, अच्छा करोगे, और हाँ मे भी वो सही है, और वैसा करने से फायदा ज्यादा होगा, पर हम किसी को दूसरा को छोड़ भी नहीं सकते हैं, मतलब हम पढ़ाई छोड़कर फिर वीडियोस बनाए, हम शायद उतना कुछ नहीं रहेंगे, हम ट्राई किए हैं यूट्यूब छोड़कर सिर्फ पढ़ाई करें, हम वो भी ट्राई किए हैं 2 3 महीने, उसके बाद फिर ये चैनल बनाते हैं फिर फुल में, नहीं हो गया। और ठीक है, मतलब पढ़ाई में भी ऐसा नहीं कि नंबर खराब आ रहा है, हम गुड स्टूडेंट थे 80 90, या एवरेज स्टूडेंट थे 80 90 वाले, तो ऐसा कोई लोड नहीं हुआ। मेरे साथ उल्टा हुआ है, मम्मी बोली थी वीडियो बनाना शुरू करो, क्या दिन भर फोन चलाते रहते हो, हमको गेम का आदत लग गया था उस समय, क्लैश ऑफ क्लैंस, तो आपका ऐसे स्टार्ट हुआ यूट्यूब, ठीक है। मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है क्या चैनल पे? तो हाँ हो गया। लाइक मनी, लाइक जब भी कोई पूछता है यूट्यूब कर रहे हो, कर रहे हो, तो फ्रेंड्स पहले पूछते हैं मोनेटाइजेशन ऑन हो गया, पैसा कितना आ रहा है, वो हाँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हम ओपन है, हम डायरेक्टली मतलब जैसे मैं मोटिवेशन ऑन भी हुआ था तो हम स्क्रीनशॉट डाल देते, देखो भाई इतना मिला है अभी, और 1 वीक बाद भी फिर एक क्या मतलब कमेंट आया था हमको 2 3 की, कितना पैसा मिल रहा है, कितना पैसा मिल रहा है, तो हम उसको दिखा देते डायरेक्टली पब्लिकली, मतलब अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में, क्योंकि हम जानते हैं ज्यादा नहीं मिलता है गूगल एड से। तो अभी भी कितना मिला है हमको, मतलब 50 60 हज़ार व्यूज पे हमको मात्र मिला है अभी 3100 रुपये, मतलब 50 60 हज़ार या 70 हज़ार के आसपास व्यूज पे 3100 रुपये, तो ऐसा नहीं है बहुत, तुम रईस हो जाओगे वो भी हिंदी वीडियोस बना के, पैसे कमाने तो इंग्लिश वीडियो बनाना। ऑफर हमको आया था, 2 ऑफर आया था जिस दिन हम अपना फर्स्ट टाइम ईमेल डाले थे, हम देखे कि व्यूज बहुत आ गया है 1 वीक में, भाई 50 हज़ार व्यूज आ गया है, अभी कहाँ था 1 हज़ार व्यूज आ रहा था मंथली, मतलब 1 हज़ार नहीं मतलब 5 हज़ार व्यूज आ रहा है मंथली, अभी 50 हज़ार व्यूज आ गया है, देखते हैं ईमेल डाल के क्या कोई मेल करेगा। हम ईमेल डाले सेकंड को, थर्ड को हमको मेल आ गया, हम देख रहे हैं 9th को और रिग्रेट कर रहे हैं, भाई कल हमको वीडियो डालना है, क्या हम पहले देखते तो अच्छा होता, तो काश स्पॉन्सर हो जाता तो फिर वीडियो और अच्छा बनता मे बी, और फिर वही रैंडम यहाँ पे पैसा लगाओ, इतना सट्टाबाजी वाला ये ऐप है वो ऐप है, और इतना पैसा मिलेगा, तो अपने ऑडियंस को बोल दिए थे कि अगर हम कभी उस तरह का वीडियो बनाए तो समझ जाना कि हम बस पैसे के लिए बना रहे हैं, तो स्पॉन्सर वाला पार्ट को छोड़ देना, बस प्ले कर दे देना, स्किप कर देना, कभी परचेज मत करना वैसा कुछ, क्योंकि ऐसा क्रिएटर करना पड़ता है कभी कभी खुद को मतलब सरवाइव करने के लिए। तो अभी मेरे पास 6 ब्रांड डील्स हैं, अभी हम किसी को सेलेक्ट नहीं किए पर 6 है टोटल जिसको कि हम शॉर्टलिस्ट किए हैं एज अ गुड। Any final comments for the audience who is watching? पहले कि जो भी तुम्हारे
मतलब फील्ड में मास्टर्स है, अगर तुमको उसका एक्सेस मिल सकता है उससे सीखने का या उससे इंस्पिरेशन लेने का, तो वैसा कुछ ढूंढ लो। और अच्छा आइडल या इंस्पिरेशन होना बहुत जरूरी है, जो कि तुमको हमेशा पुश करे कि हाँ हमको भी एक दिन उस टाइप का कुछ क्रिएट करना है। एंड सेकंड, कंटेंट क्रिएशन हार्ड भी है और इजी भी है, डिपेंड्स कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो बस क्विट नहीं करना है, लगे रहना है और इम्प्रूव होने पर ध्यान देना है, रेदर देन व्यूज खरीद लें या फिर मोनेटाइजेशन कैसे हो चालू होगा, पैसे नहीं मिलते हैं गूगल एड्स से उतने। एंड थर्ड, ये एक अच्छा इंस्पिरेशन का हम तुमको अभी रेफरेंस दे सकते हैं, भविष्य के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर बेटर फ्यूचर और बेटर भविष्य। थैंक यू थैंक यू।